रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सैफ अली खान का बेटा इस खूबसूरत हसीना के प्यार में पागल हो रहा है जयपुर। सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान ने जब से इस दुनिया में जन्म लिया है तब से ही वे एक पैदाइशी सेलिब्रिटी बनने का खिताब पा चुके हैं। हर वक्त वह आजकल सुर्खियों में बने रहते हैं। बॉलीवुड के सबसे मशहूर स्टार किड बन चुके हैं यह नवाबजादे तैमूर साहब। लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़े नवाबजादे की। जी हाँ, सैफ अली खान और अमृता राव के बेटे इब्राहिम अली खान की यहाँ पर हम बात करेंगे। बता दें कि हाल ही में इब्राहिम की बहन सारा अली खान केदारनाथ की शूटिंग पर चर्चा में है। वही बताया जा रहा है कि ये बड़े नवाबजादे आजकल किसी हसीना के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में इब्राहिम अपने पापा की विरासत को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सैफ की मोहब्बत के चर्चे भी उनके लड़कपन के दिनों में काफी मशहूर रहे थे। अब वही चीज उनके सुपुत्र दोहराने जा रहे हैं। इब्राहिम आजकल सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत गर्ल फ्रेंड के साथ ली गई तस्वीरों के चलते चर्चा में चल रहे हैं। देखने में तो इब्राहिम अपने पिता सैफ अली खान की कार्बन कॉपी ही लगते हैं। गौरतलब है कि सैफ की बड़ी बेटी सारा अली खान इसी साल फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने जा रही है। इन दोनों नवाबी बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में आजकल तहलका मचा रखा है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही इब्राहिम भी बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। छोटे नवाब की गर्ल फ्रेंड की जाए तो वो भी इन दिनों काफी मशहूर हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेघना कौटी, जिसने इस नवाबजादे का दिल चुराया है। दोनों को कई बार एक साथ देखा जा चुका है। बता दें कि इब्राहिम की परिवार में अपनी फूफी सोहा अली खान के साथ सबसे अच्छी ट्यूनिंग है। मेघना के बारे में इब्राहिम ने सोहाम बुआ को सब कुछ बता रखा है। इब्राहिम फिलहाल मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं। बता दें कि इब्राहिम की गर्ल फ्रेंड मेघना कौर शी ट्रबल मेकर नाम से एक वीडियो चैनल चलाती हैं। मेघना कौर ने काफी कम समय में ही अपने दम पर काफी नाम कमा लिया है। मेघना की खूबसूरती की बात की जाए तो वे बेबो और अमृता के साथ ही सारा को भी टक्कर देती हुई नजर आती है। तो आखिर बेटा भी अपने पापा की राह पर ही चल रहा है।